हेलो एंड वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ मशरूम मटर की क्रीमी ग्रेवी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए मशरूम लगभग 250 ग्राम, फ्रोज़न मटर 1 कप, चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करते हैं तो पहले उसको उबाल कर रख लें। हरा धनिया 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्च 2 बारीक कटे हुए, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, कुकिंग क्रीम 2 बड़े चम्मच, ये ऑप्शनल है, जीरा 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और तेल 1 बड़ा चम्मच। फ्रोज़न मटर को हम पानी में भिगोकर रख देते हैं जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। मशरूम को धोकर उसे हम इस तरह से काट लेते हैं, इसके 2 हिस्से हम कर लेते हैं। मशरूम के थोड़े बड़े पीसेस रखते हैं। फ्रेश धनिए की पत्तियों को हम इस तरह से क्रश करके रख लेते हैं। इस रेसिपी में मैंने धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया है। एक पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल जब मीडियम हाई गरम हो जाता है तब हम उसमें जीरा डाल देते हैं। जीरे को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का गोल्डन होने तक भूनना है। इसे हम स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम तब तक पकाते हैं जब तक कि इसकी रॉ स्मेल चली जाती है। इसे हम स्टर करते रहते हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च कटा हुआ, कुटा हुआ धनिया, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इस मसाले को हम 1 मिनट तक पकने देते हैं। फ्लेम्स को हम लो मीडियम कर लेते हैं जिससे कि मसाले जले नहीं। इसे हम स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। अच्छी तरह से मसालों को टमाटर में मिक्स करके अब हम इसमें नमक मिला लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। टमाटर के मसाले को हम तब तक पकने देते हैं जब तक कि टमाटर थोड़ा मशी हो जाता है। इसे हम बीच बीच में स्टर करते रहते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी मिला लेते हैं और अब इसे ढककर हम 2 मिनट तक पकने देते हैं। अब हम ग्राइंडर के एक जार में 1/2 मटर लेते हैं। फ्रोज़न मटर को हमने भिगोकर रखा हुआ था तो अब काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। इस मटर का हम एक कोर्स पेस्ट बना लेते हैं। मटर का पेस्ट बनाने से ग्रेवी में एक टेक्सचर ऐड हो जाता है। टमाटर का मसाला अब पक चुका है। अब हम इसमें डालते हैं मटर का पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया है और साथ ही इसमें हम बाकी बचे हुए मटर के दाने भी डाल देते हैं। इन्हें अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये मसाला काफ़ी सूखा हुआ है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, लगभग 1 कप पानी डाला है और अब इसे ढककर हम फिर से पकने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट तक पकने के बाद अब हम इसमें मशरूम मिला लेते हैं। मशरूम पकने पर काफ़ी पानी छोड़ता है तो इसमें ज़्यादा पानी ना मिलाएं। एक बार देख लें कि ग्रेवी कितनी गाढ़ी है और अगर उसके बाद ज़रूरत है तो ही पानी मिलाएं। और अब हम बर्तन को ढककर मशरूम को 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम्स पर पकने के लिए रख देते हैं। आप देख सकते हैं कि मशरूम काफ़ी पानी छोड़ता है, ग्रेवी अब काफ़ी बढ़ गई है। इसे हम पकने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं कुकिंग क्रीम। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग क्रीम यूज़ किया है।
इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब पैन को ढककर हम तब तक पकने देते हैं जब तक कि मशरूम पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अब मशरूम मटर ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, इसे हम गरम गरम परोस सकते हैं। तो ये थी मशरूम मटर की रेसिपी, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।